अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद करण अली। सो फ्रेंड्स, रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही क्रिस्पी क्रंची चिकन स्ट्रिप्स, जो कि किसी फूड सेंटर से आप बाय करेंगे तो आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ेंगे और दिल भी नहीं भरेगा। तो आइए आज ढेर सारे स्ट्रिप्स बनाकर सेव करते हैं लो कॉस्ट में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम चिकन स्ट्रिप्स ले लिए। इसे मैंने धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, खुश्क कर लिया था, बोनलेस लिया था मैंने। उसकी मैंने इस तरह से ये पतली पतली स्ट्रिप्स काटी हैं, आप देख सकते हैं। लंबाई में एक पूरा फ्लेट मैंने लिया था, 500 ग्राम चिकन है। एक चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे, एक चम्मच कुटी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ। बहुत कम मसालों से मैं ये बनाऊँगी। काली मिर्च एक चम्मच, सोया सॉस यहाँ पर मैंने तकरीबन एक टेबल स्पून भर के लिया है, और मैं इसमें चिली सॉस भी एक टेबल स्पून भर के ले रही हूँ। दो टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस यूज़ किया है। बाहर से आप लाकर खाते होंगे ना, तो आपको लगता होगा इसका टेस्ट इतना डिफरेंट क्यों है, क्योंकि बाहर मसाले ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होते। मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी बता रही हूँ, आसान भी है और मज़ेदार भी। इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। अगर आधा घंटा रखेंगे आप तो इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप साथ साथ भी कर सकते हैं इसे फ्राई। अब आ जाते हैं अपनी फ्राइंग पे। यहाँ मैंने मैदा ले लिया है, ब्रेड क्रम्स लिए हैं, दो अंडे लिए हैं। अंडे में मैं एक पिंच नमक और एक पिंच काली मिर्च डाल रही हूँ। ब्रेड क्रम्स में मैंने ऑरिगैनो दो पिंच ऐड किया है। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड किया है मैंने, हल्का सा सॉल्टी करने के लिए। इसे अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, और स्ट्रिप्स जो हमने अपनी पहले से बना के रखी थी, वाओ ज़बरदस्त सी, ये देखें अभी हम इसे क्रंची और क्रिस्पी कैसे बनाते हैं आपको ये पता चलेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसे सबसे पहले हम मैदे में कोट करेंगे। जस्ट आपने कोट करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसे वो नहीं करना इसमें। फिर उसके बाद एग में डिप करना है, अच्छी तरह से एग में डिप होना चाहिए। और सबसे लास्ट में हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ये देखें, ये हमारे ज़बरदस्त से स्ट्रिप्स रेडी हैं। आप इस फॉर्म में इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, ये मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी है। रोज़े चल रहे हैं, टाइम सेविंग रेसिपी है। एक दफ़ा बनाकर इसे फ्रीज़ कर लें और अफ्तार के वक्त निकाल कर जस्ट फ्राई कर लें। अब हम इसकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है। इसमें मैंने ये अपने सारे स्ट्रिप्स डाल दिए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि चिकन तो अंदर कच्ची थी, तो मैं आपको लास्ट में इसे दिखाऊंगी कट करके कि चिकन कितनी अच्छी से इसमें टेंडर हो गई है। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये बन के रेडी होंगे। ये देखें, जब गोल्डन हो जाएं तो इसे हमने डिश आउट कर लेना है, निकाल लेना है इससे। इसे मैंने चिली सॉस के साथ सर्व किया है, आप किसी भी डिप सॉस के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। हमारे क्रिस्पी से चिकन स्ट्रिप्स बनकर रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं, गोल्डन से ज़बरदस्त से फ्राई हुए हैं। देखा आपने, ये कितने क्रंची हैं, कितने क्रिस्पी, आपको इसकी आवाज़ से अंदाज़ा हो गया होगा। तो कैसी लगी दोस्तों आपको आज की ये रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखें, ऊपर से तो ये गोल्डन गोल्डन मज़ेदार से क्रिस्पी से आपको दिख रहे होंगे। अब मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ कि चिकन अंदर से कितने अच्छे से टेंडर हो चुकी है। ये देखें, तो देखा फ्रेंड्स आपने, घर के कितने कम मसालों से कितनी जल्दी और कितनी अच्छी रेसिपी बन के रेडी हो गई है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि रमज़ान मुबारक के महीने में आपसे आसान और कम मसालों वाली रेसिपी शेयर करूँ, ताकि उसे बनाना और खाना दोनों आसान हो। तो अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। फिर मिलूंगी किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हम सबका दस्तरखान हलाल रिज़्क से वसी रखे। आप सब मुझे भी दुआओं में याद रखें। ये देख सकते हैं आप, ये कितने मज़ेदार से गोल्डन क्रिस्पी बन के फ्राई होकर आ गए हैं हमारे पास। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।